नमस्कार, अगर अपने काम की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, अपना स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बचे हुए काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, समय के महत्व को समझना चाहते हैं, समय के साथ आप चलना चाहते हैं, समय के स्पीड से आप दौड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको 3 स्टेप वो फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसको करके अनेकों लोगों ने अपने फील्ड में ऊंचाई तक पहुंचे हैं, टॉप पोस्ट तक पहुंचे, टॉप बिजनेस स्किल को बिल्ड कर चुके हैं, टॉप लीडर बन चुके हैं। वो आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ, 3 सीक्रेट वो बताने वाला हूँ अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। तो वो तरीका अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। आप बोलेंगे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, मजा आ गया। तो वो आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर आप जानने के लिए तैयार हैं, अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कौन सा वो 3 सीक्रेट है, 3 स्टेप्स फॉर्मूला है जो आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है। चलिए आगे स्क्रीन पे हम आपको विस्तार से बताने वाला हूं अपने काम की स्पीड को बढ़ाने का वो 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 सीक्रेट। ये सवाल आज के समय में हर आदमी जानना चाहता है, समझना चाहता है, और किसी कारण से लोगों को पता तो होता है लेकिन कैसे इस काम को करने के लिए स्टेप लें वो उनको नहीं पता होता है। तो उस काम को कैसे स्टेप लें, उस काम को कैसे इंपोर्टेंस दें, उस काम को करने की कैसे गति को बढ़ाएं, वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसको जान लेंगे तो 4 चांद लग जाएगा। आप जो भी काम करें, किसी भी प्रोफेशन में किसी भी काम को करें, उसमें अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए यस, अभी तुरंत आपको मैं बताता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। तो पहला वो स्टेप है, पहला वो फॉर्मूला है टाल मटोल की आदत को छोड़ें। आज के समय में अधिकांश लोग टाल मटोल करते हैं, आज काम कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल कभी नहीं आता है। इसलिए काम को करने की आदत डालें, काम को टालने की आदत को छोड़ें, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और कैसे हो पाएगा, कैसे संभव हो पाएगा टालने की आदत कैसे छूटेगा, तो आप जो भी काम करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिखें कि पहले का जो भी काम कर रहे हैं उसका पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा। जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप उसको लिखते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में काम होने लगता है और आपको एक्स्ट्रा समय नहीं लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम समय में आप आसानी से उस काम को निपटा देते हैं। उसके साथ साथ दूसरा क्या हो सकता है, आवश्यकता और जल्दीबाजी को समझ कर काम को में प्रगति डालें या काम की प्रगति को करें। कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम महत्वपूर्ण है, कौन सा काम जल्दी करना है, तो जल्दीबाजी काम क्यों करना है, जो ज्यादा जरूरी है उस काम को पहले करें, जो काम जरूरी नहीं है उस काम को बाद में भी किया जा सकता है। इसलिए जो प्राथमिकता जिस काम को देना है वो काम इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो जो महत्वपूर्ण काम है उस काम को जल्दी करने की आदत डालिए। उसके अलावा अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप को एनर्जेटिक नहीं बनाए रखेंगे तो काम को करने में दिक्कतें आएगी, काम को करने में परेशानी ही आएगी। इसलिए टाल मटोल की आदत को छोड़िए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, काम को छोटे छोटे टुकड़ों में लिखिए, स्टेप बाय स्टेप के थ्रू लिखिए। और दूसरा क्या है, दूसरा है अच्छे कामों की आदत डालिए। आज के समय में काम, हर काम अच्छा होता है, हर काम जरूरी है, लेकिन जो काम आपके लिए अच्छा है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके जॉब प्रोफाइल को बढ़ाने वाला है, आपकी स्किल को बढ़ाने वाला, उस काम को करने की आदत डालिए, न कि वो काम कीजिए जिस काम से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए जो काम आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आपके जीवन में बेहतरी ला सकता है, उस काम को करने की आदत डालिए। कैसे हो पाएगा, प्रतिदिन काम का निर्धारण कीजिए, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम समय पर करना है, इस चीज को आप नोट कीजिए, लिखेंगे तब ये संभव हो पाएगा। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा अपने कामों को लक दीजिए, उस काम को निर्धारण कीजिए और उस काम पे अपना फोकस बढ़ाइए, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा और आप अच्छे तरीके से उस काम को करने के लिए उत्साहित होंगे, एनर्जी वहां लगाएंगे और उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने काम को नियंत्रण कीजिए, उसमें समर्पण दिखाइए, समर्पण आप करते जाएंगे, देते जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी होता हुआ चला जाएगा। तो ये बेहतरीन उपाय है, बेहतरीन तरीका है, अच्छे कामों की आदत भी डालना है। उसके अलावा तीसरा सीक्रेट है, जानना चाहते हैं तीसरा सीक्रेट क्या है? जी हाँ, तीसरा सीक्रेट है अपने समय को वैल्यूएबल बनाएं। आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका समय बहुत ही मूल्यवान है, समय के साथ चलना चाहिए, समय के गति से बढ़ना चाहिए। हो सकता है अगर आप इस ऊपर बताए हुए फॉर्मूले को करते हैं तो समय से भी पहले आप अपने रैंक को अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं।
कब होगा? जब अपने समय को वैल्यूबल बनाएंगे। वैल्यूबल बनाने के लिए क्या करना होगा? जी हाँ, वैल्यूबल बनाने के लिए आपको नियमित रूप से अपने काम को करने की योजना बनानी पड़ेगी, समझदारी से अपने समय का खर्च करना पड़ेगा, समझदारी समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समय का सदुपयोग बहुत ही जरूरी है। समय का व्यय नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का नियोजन करना चाहिए। और जब कैसे होगा, जब जरूरी कार्यों को पहले प्राथमिकता दीजिए, उनको तय कीजिए, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पर फोकस बनाइए, उस काम को करेंगे, आपका काम समय से होगा, समय से पहले भी हो सकता है और सही तरीके से हो पाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा और टाल मटोल की आदत भी नहीं डालनी होगी और उससे बचे रह सकते हैं। उसके साथ साथ आप व्यायाम में, संगीत में, ध्यान या जो भी आप शौक मौज करते हैं उस में आप काम को करते हुए, उस काम में ध्यान देते हुए उससे आप शांति प्राप्त कीजिए, उसके साथ साथ शांति प्राप्त कीजिए, लेकिन मनोरंजन में समय ना गवाएं। आज के समय अधिकांश लोग वीडियो देखते हुए, रील्स देखते हुए और फीड्स देखते हुए समय को बर्बाद करते हैं। उससे आप बचिए और अपने एक्सरसाइज कीजिए, म्यूजिक सुनिए, मन शांत होगा, मेडिटेशन कीजिए और आप कंसंट्रेशन दीजिए किस पे, वो काम करने में जिससे आपकी प्रगति हो, जिससे आपका जीवन में बेहतरीन परिवर्तन आ सके, आप कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और कुछ ऐसा स्टेप ले सके जो बीते हुए कल से आने वाला कल आपका अच्छा हो। ये तरीका, ये फॉर्मूला है, ये थ्री ओ सीक्रेट है। अनेकों लोगों ने इसको किया है, हजारों लोगों ने इसको करके अपने जीवन में उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचे हैं। हम और आप भी पहुंच सकते हैं, बस इस फॉर्मूले को, इस स्टेप्स को करने की जरूरत है। हम आज से संकल्प ले रहे हैं, इस तीनों फॉर्मूले, इस तीनों सीक्रेट को अपनाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप इसको करने के लिए तैयार हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए, मी करके आप टाइप करके मुझे बताएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। आप भी इस काम को करने के लिए तैयार हैं, हम भी इस काम को करने के लिए तैयार हैं। विन विन सिचुएशन होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा ना? जी हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको बढ़ाने की ही कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे लोगों में यह आदत आए अच्छे काम करने की और टाल मटोल की आदत को छोड़े, अपने काम को अच्छे तरीके से करने की आदत डालें और अपने समय को वैल्यूबल बनाएं, क्योंकि समय बहुत ही बड़ा मूल्यवान है। समय अगर निकल जाता है तो समय वापस नहीं आता है। पैसे चला गया तो पैसे कमा सकते हैं, लेकिन समय निकल गया तो समय को वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय को महत्वपूर्ण समझिए, समय को वैल्यूबल बनाइए और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों में जागृति लाइए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।